दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की शानदार जीत से 5 टीमों को यहां पर हुआ है बड़ा फायदा। वहीं चेन्नई सुपर किंग की टीम जो रात का मुकाबला हारी है, प्लेऑफ से भी अब जो है वो हो सकती है बाहर। सारी बातचीत करेंगे तो आप इस वीडियो को कर दीजिए बस एक लाइक। और आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कौन सी 4 टीमें जाएंगी प्लेऑफ्स में, कमेंट कर हमें जो है वो जरूर बताएं। दोस्तों 61 मुकाबले खेले जा चुके आईपीएल 2023 के, अभी तक हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये टीम कंफर्म प्लेऑफ में जो है वो चुकी है। नाम के पीछे क्यों जो है वो लिखा जा चुका हो, एक भी टीम अभी तक हमें ऐसी जो है वो नहीं मिली। दिल्ली कैपिटल्स पहली टीम जरूर है जो कि यहां पर एलिमिनेट हो चुकी है। कल की बात करें तो 2 बहुत ही अच्छे मुकाबले हमें देखने को मिले। पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने राजस्थान रॉयल्स की टीम को बुरी तरीके से हराया, 59 रनों पर ही जो है वो कर दिया ऑल आउट, 112 रनों की बड़ी जीत। इसके बाद आरसीबी का नेट रन रेट भी काफी अच्छा जो है वो हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों 4-5 ऐसी टीमें हैं जिन्हें फायदा हुआ है आरसीबी की इस जीत से, इसमें गुजरात टाइटंस, चेन्नई सुपर किंग, लखनऊ सुपर जायंट्स, पंजाब किंग्स जैसी टीमें जो है वो है शामिल। मुंबई इंडियंस का भी नाम आप रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि राजस्थान रॉयल्स का जो नेट रन रेट है वो काफी तगड़ा चल रहा था। अगर ये टीम 16 पॉइंट हासिल करती तो इस टीम को प्लेऑफ में जाने से कोई भी जो है वो नहीं रोक पाता, क्योंकि इनका नेट रन रेट काफी अच्छा चल रहा था। लेकिन अब ये टीम मैक्सिमम 14 पॉइंट ही हासिल जो है वो कर सकती है। इसके बाद रात के मुकाबले की बात करें तो केकेआर की टीम ने चेन्नई सुपर किंग की टीम को हराया। केकेआर की टीम अभी भी प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है, ऐसे सिनेरियो है जरूर कि केकेआर की टीम हमें प्लेऑफ में जो है वो नजर आ जाए। वहीं चेन्नई सुपर किंग की टीम बुरी तरीके से फंस चुकी है, और आपको बता दें कि एक छोटी सी चूक चेन्नई सुपर किंग की टीम को प्लेऑफ से जो है वो कर सकती है बाहर। कैसे? यहां पर चेन्नई सुपर किंग की टीम अगर अपना आखिरी मुकाबला हार जाती है दिल्ली कैपिटल से, उसके बाद दोस्तों पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अगर अपने दोनों मुकाबले बचे हुए जीत जाती है, मुंबई इंडियंस की टीम है, लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम है, ये अगर एक भी मुकाबला जीत जाते हैं तो चेन्नई सुपर किंग की टीम प्लेऑफ से बाहर होती हुई हमें नजर आ सकती है। तो चांसेस है जरूर चेन्नई सुपर किंग की टीम के लिए भी यहां पर प्लेऑफ से बाहर होने के। एक समय ऐसा लग रहा था कि टॉप 2 चेन्नई सुपर किंग की टीम का कंफर्म हमें नजर आ रहा है। हालांकि ये टीम टॉप 2 में भी कंफर्म जा सकती है अगला मुकाबला जीतकर, लेकिन अगला मुकाबला अगर ये टीम हार जाती है तो इन्हें यहां पर बाकी टीमों के रिजल्ट पर डिपेंड रहना होगा। अब बात करते हैं टॉप 4 टीम की जो कि प्लेऑफ में हमें नजर आ सकती है। गुजरात टाइटंस कंफर्म लग रहा है एक जीतेगी और यहां पर प्लेऑफ में जो है हमें नजर आएगी। इसके बाद दूसरी टीम चेन्नई सुपर किंग की हम रख सकते हैं क्योंकि इन्हें एक मुकाबला जीतना है, अगर हार भी जाते हैं तो काफी तगड़ा सिनेरियो है, तभी जाकर ये टीम बाहर जो है वो हो सकती है। इसके बाद तीसरी टीम मुंबई इंडियंस की अब जो है वो नजर आ रही है जो कि 18 पॉइंट हासिल कर सकती है। एक इनके लिए नेट रन रेट जरूर मुसीबत है, अगर आप टॉप 6 की टीम देखें तो यहां पर सबसे खराब नेट रन रेट मुंबई इंडियंस का हमें जो है वो नजर आएगा। वहीं दोस्तों चौथी टीम इस समय लखनऊ सुपर जायंट्स है पॉइंट्स टेबल में, और काफी ज्यादा ये करीब भी है, पिछला मुकाबला बहुत ही अच्छी तरीके से जीते भी हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि आरसीबी की टीम उलटफेर कर सकती है। इस समय नंबर 5 पर है, लेकिन ये टीम भी प्लेऑफ में जो है वो जा सकती है। इसके अलावा पंजाब किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, सनराइजर्स हैदराबाद सभी यहां पर प्लेऑफ की रेस में जो है वो बने हुए हैं। हमारी यहां पर टॉप 4 पिक की बात कर लेते हैं तो यहां पर हमने आईपीएल की स्टार्टिंग से पहले पिक करी थी गुजरात टाइटंस, चेन्नई सुपर किंग, राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम। अब यहां पर राजस्थान रॉयल्स हमें लग रहा है कि अब क्वालिफाई मुश्किल है कि कर पाए। अब हमारी जो 4 टीम है वो है गुजरात टाइटंस, चेन्नई सुपर किंग, मुंबई इंडियंस को हम ऐड कर रहे हैं, और चौथी टीम हम अभी भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ जो है वो जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या हमारी प्रेडिक्शन सही होगी, क्या ये 4 टीमें प्लेऑफ में जाएंगी या फिर आपकी प्रेडिक्शन है कुछ और, कमेंट कर बस हमें जरूर बताएं। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।